हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर फिटर का इंटरव्यू के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर। बाहर देश के लिए जब हम जाते हैं इंटरव्यू देने, तो क्लाइंट हमसे क्या क्या सवाल पूछता है, इसी के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल सबसे पहले आपसे पूछता है आपका नाम और आपका एज, आपका उम्र कितना है, तो वो आप अपने दिमाग में रखिए। और सबसे पहला बात यह है कि अपने दिमाग से जो है डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू देने जाता है आदमी तो दिल में थोड़ा डर पैदा हो जाता है, तो उसको निकालने का ये तरीका है कि जाइए आप ऑफिस में, जब तो सबसे पहले उस नमस्कार या सलाम करिए, तो वो भी आपको जवाब देगा। तो इससे आपको क्या होता है कि दिल से डर थोड़ा निकल जाता है। तो वो आपसे पहला सवाल करेगा यही कि आपका नाम पूछेगा और आपका एज पूछेगा, कितना उम्र है। नाम और उम्र और ये क्यों पूछता है, क्योंकि पासपोर्ट वो देखना चाहता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और कंट्री का हो, डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के आप जाना चाहते हो बाहर देश, तो इसीलिए वो नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ सकता है। तो आप अपना पासपोर्ट के बारे में थोड़ा याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा कि आप कहाँ कहाँ काम किए हैं। देखिए, इंडिया में 90% लोगों को मैं देखा हूँ कि उनका सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल नहीं रहता है, डुप्लीकेट ही रहता है। तो ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो, आपको अपना सर्टिफिकेट के बारे में पूरा याद रखना है कौन से कंपनी का है और कहाँ कहाँ पे आप काम किए हैं। मान लीजिए 3 सर्टिफिकेट है और उस 3 सर्टिफिकेट में हम पहला वाला सर्टिफिकेट है जो मान लीजिए मुंबई में आप काम किए हैं 2014 से लेकर 2015 में, दूसरा सर्टिफिकेट है जो 2015 से 2016 तक है जो राजस्थान में आप काम किए हैं, फिर तीसरा सर्टिफिकेट है जो 2017 से 2018 में आप दिल्ली में काम किए हैं, या दूसरा कहीं भी काम किए हैं, जामनगर में काम किए हैं। तो इस तरीके से आप अपना याद रखिए कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ का है और कितना दिन का एक्सपीरियंस है, 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है। तो वो आपको इस तरीके से पूछेगा जानबूझ के कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, जानने के लिए। तो आप अगर सच बताएंगे जो भी लिखा है उसमें अपना सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो वो समझेगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। अगर आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और आप नहीं बता पा रहे हैं, तो वो समझेगा कि ये तो डुप्लीकेट है, और लोग डुप्लीकेट वाले को सही सही बताएंगे तो वो लगेगा ओरिजिनल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सपीरियंस पूछेगा कितने साल का है, तो वो अपना सर्टिफिकेट के हिसाब से आप देख लीजिए कितने साल का मैंने काम किया है, टोटल 3 साल 4 साल। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप क्या क्या काम करते हो। देखिए, स्ट्रक्चर फिटर का क्या है कि ज्यादा इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है, यही सब पूछा जाता है। काम के बारे में वो कोई ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ आपको ग्राइंडिंग वगैरह मारने आना चाहिए। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ग्राइंडिंग मशीन चलाते हो, तो मैं इस पे ग्राइंडिंग मशीन पे एक वीडियो बना चुका हूँ पाइप फिटर का, तो कौन सा उसमें पूछता है लोग, क्या पूछता है लोग, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछेगा, मान लीजिए ग्राइंडिंग के बारे में ही, कि आप प्लेट में 37.5 डिग्री में अगर भी मारना हो तो कैसे मारेंगे, या फिर प्लेट में जब हम बेवल मारते हैं वेल्डिंग के लिए तो कितना डिग्री में होना चाहिए। प्लेट में बेवल 37.5 डिग्री में होना चाहिए फिटिंग एंड वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि ग्राइंडिंग में विजुअल क्या होता है, विजुअल में क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग के बाद विजुअल करते हैं उसके बारे में आप जानते हैं, ये विजुअल क्या होता है। तो विजुअल मतलब ये होता है कि वेल्डिंग, फिटिंग, वेल्डिंग होने के बाद वेल्डिंग का क्लीनिंग, साफ सफाई उसको किया जाता है, वेल्डिंग को फ्रेश किया जाता है ग्राइंडिंग वगैरह मार के, हल्का टचअप वगैरह भी रहता है वेल्डिंग वेल्डिंग का, तो उसमें ग्राइंडिंग किया जाता है, उसी को बोला जाता है विजुअल। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछ सकता है 1 इंच में कितना mm होता है, आपको आंसर देना है 1 इंच में 25.4 mm होता है, यानी कि 25.4 mm। क्वेश्चन नंबर 8 मान लीजिए आपसे पूछ सकता है कि ये सी चैनल कैसा होता है, आप उसका फुटेज बना के दिखाओ पेन से, तो आपको एक पेन से मार्किंग करके दिखाना होगा कि सी चैनल इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बीम का डिजाइन बना के दिखाओ कैसा होता है, तो आपको एक पेन से मार्किंग करके दिखाना होगा कि बीम इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 एंगल का डिजाइन कैसा होता है, एंगल का फुटेज बना के दिखाओ पेन से, तो आपको एंगल का डिजाइन बना के दिखाना पड़ेगा, पेन से मार्किंग करके आप दिखा सकते हैं वहीं पर पेपर पे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 इससे ज्यादा कुछ सवाल तो पूछता नहीं है लोग, लेकिन मैं आपको और थोड़ा ड्राइंग के बारे में बता देता हूँ, हो सकता है आपको मन में होगा कि ड्राइंग के बारे में पूछता है लोग, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, मान लीजिए आपको इस ड्राइंग के बारे में अगर पूछ दिया कि ये ड्राइंग क्या चीज का है बताइए, तो आप सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर का ड्राइंग है, किसी प्लेटफॉर्म का ड्राइंग है, कॉलम है, ऐसे बना सकते हैं, कॉलम का ये ड्राइंग है, स्ट्रक्चर का ड्राइंग है। तो क्वेश्चन नंबर 12
दूसरा ड्राइंग मान लीजिए ये इस तरीका से अगर आपको ड्राइंग दिखा रहा है तो आप देख रहे हैं ये पाइप की तरह, इस तरीका का अगर आपको ड्राइंग देखने को मिलेगा तो आप इसको बता सकते हैं कि ये रेलिंग का ड्राइंग है, हैंड रेलिंग। आपसे पूछ सकता है कि ये किस चीज का ड्राइंग है, इतना ही पूछेगा आपसे अगर आप फिटर है तो। आप इसके बारे में नहीं पूछेगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, क्या है ये, क्या है, वो सब नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछेगा कि ये किस चीज का ड्राइंग है, ये हैंड रेलिंग का ड्राइंग है, आप ये ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और इसके बारे में पूछेगा ये किस चीज का ड्राइंग है, तो आप इसको बता सकते हैं ये एक बीम है, कोई स्ट्रक्चर का बीम बनाया हुआ है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बारे में पूछेगा ये किस चीज का ड्राइंग है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये किसी स्ट्रक्चर का कॉलम है, जो मेन कॉलम रहता है, कॉलम का ड्राइंग है। कौन सा ड्राइंग है, तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये फैब्रिकेशन ड्राइंग है। ये बीम है, ये भी फैब्रिकेशन ड्राइंग है, ये भी कॉलम का ड्राइंग है, क्योंकि इसमें बेस प्लेट लगा हुआ है नीचे। जिस चीज में बेस प्लेट नीचे लगा है तो वो कॉलम हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14, इस ड्राइंग के बारे में आपसे पूछ दिया कि ये प्लेट का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको बताइए ये गैसेट प्लेट लगा हुआ है और ये नीचे वाला जो होल वाला जो प्लेट दिख रहा है आपको ये वाला, इसका नाम क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं बेस प्लेट लगा हुआ है, इसका भी नाम गैसेट प्लेट बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ है SP2 जो लिखा हुआ है, तो इसको आप स्टिफनर बोल सकते हैं, ये सब जो लगा हुआ है स्टिफनर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो इससे ज्यादा कुछ सवाल आपसे नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर फिटर के लिए, ज्यादातर ग्राइंडिंग मशीन के बारे में पूछेगा कि आप कौन सा ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं, तो वो आपको बताना होगा। AG5, AG7, AG9 ऐसा करके आपको बता देंगे कि ये सब मशीन मैं चलाता हूँ। क्लाइंट आपसे 10 सवाल मान लीजिए पूछा है, तो आप 10 में से 10 अगर बता दिए तो आपका सैलरी जो है ए ग्रेड में लगाएगा। अगर आप उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन का आंसर दिए तो आपका बी ग्रेड या सी ग्रेड में भी लगा सकता है। एग्रीमेंट साइन करते समय ये देख लेना चाहिए खाना पीना और रूम और गाड़ी वगैरह का जो है कंपनी की तरफ से है या नहीं, सब कुछ एग्रीमेंट पेपर में लिखा हुआ रहता है। अकाउंट मेंशन अगर लिखा हुआ है कंपनी तो सब कुछ रहेगा, वो आपको पहले ही बता देगा कि ये चीज़ आपको मिलेगा और इतना सैलरी मिलेगा और आप यहाँ पे साइन करिए। हो सकता है कोई कंपनी छुपा लेता है, ये चीज नहीं देंगे वो चीज नहीं देंगे, और साइन करा करके लेके चला जाता है वहाँ पे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जो वांट पेपर में कितना सैलरी लगाया हुआ है और वो कितना सैलरी लगा रहा है, मान लीजिए कि 100 रियाल या 100 मान लीजिए कुवैत के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और 100 KD लिखा हुआ है और वहाँ पे लगा रहा है 80 KD या 70 KD, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दूसरा चीज ये है कि अगर आपको जच रहा है कि उतना सैलरी में हमको जाना है तो ठीक है, नहीं तो आप नो करके आप बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीका से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीका से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।